नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर। आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। महाराष्ट्र में मिलेगी मेट्रो की सौगात, 50% काम हुआ पूरा, विदर्भ के लिए होगी बड़ी उपलब्धि। पंजाब में लुधियाना में प्रवासी की लाश मिलने से सनसनी, इलाके में पुलिस जांच में जुटी। और झारखंड के कोडरमा में भारी मात्रा में शराब और विस्फोटक मिलने से हड़कंप, कोडरमा पुलिस ने संदिग्धों की खोज में की छापेमारी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को CBI द्वारा व्यापम में क्लीन चिट पर सभी कार्यकर्ताओं ने हर्ष जताया और आतिशबाजी की। चिटनिस ने अपने उद्बोधन में कहा कि निर्णय से सिद्ध हो गया कि सांच को आँच नहीं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर बुरहानपुर के ग्राम बहादुरपुर में आयोजित कार्यक्रम में हुई सम्मिलित, छात्र एवं छात्राओं को संबोधित भी किया। पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब के कांग्रेस सरकार पर बुजुर्गों को पेंशन न देने के आरोप लगाकर 800 प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने के रोष स्वरूप आम आदमी पार्टी द्वारा जिलाध्यक्ष दलजीत सिंह भोला गरेवाल के नेतृत्व में लुधियाना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें आप प्रदेश महासचिव अहबाब सिंह भोला गरेवाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अहबाब सिंह गरेवाल ने आरोप लगाया है कि जब से पंजाब में कांग्रेस की सरकार आई है, बुजुर्गों को मिलने वाली 500 रुपये की पेंशन भी बंद हो गई है, जबकि इन्होंने चुनाव से पहले 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का वायदा किया था। इस दिशा में वह जिलाधीश के पास राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं ताकि इन लोगों की समस्याओं का हल हो सके। प्रदर्शन तां कीता गया कि जिहड़ी कैप्टन सरकार ने वादा कीता सी कि असीं 2500 रुपये बुढ़ापा पेंशन करांगे, वो 2500 की बजाय 500 रुपया जिहड़ा दिंदे सीगे ਉਹ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ OSD ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, OSD ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 500-500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2500 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ 250 ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 250 ਤੋਂ 500 ਕਰੀ, 500 ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਦਵਾ, ਕਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਬਸ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਲਸਣ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਲਸਣ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ, ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2500 ਦਾ ਸੀ, 2500 ਦਾ, ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। बिहार के पश्चिमी चंपारण गौनाहा प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना प्रांगण में CDPO ने मीटिंग में आंगनबाड़ी सेविका व पर्यवेक्षिकाओं को कई आवश्यक निर्देश दिए। बुधवार को बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविका व पर्यवेक्षिकाओं की मीटिंग स्थानीय जनप्रतिनिधि के सामने CDPO कुमारी रेखा के नेतृत्व में मासिक मीटिंग की गई, जिसमें 2 दिन के भीतर अनुश्रवण समिति का गठन करना अनिवार्य बताया गया। वहीं 10 बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। युवाओं के बल के अंतर्गत स्थापित किया गया है। यहाँ 15 से 25 वर्ष के जो भी लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, शादीशुदा हैं, बिना शादीशुदा हैं, हर कोई एडमिशन ले सकता है। एडमिशन निःशुल्क है, कोई फी नहीं लगता है। यहाँ पढ़ाई में हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं, संवाद कौशल सिखाते हैं और व्यवहार कौशल सिखाते हैं। सीखने के बाद से गवर्नमेंट आपको सरकारी सर्टिफिकेट देती है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए गवर्नमेंट अलग से रोजगार मेला लगाती है, जहाँ उनको आमंत्रित करके और उस रोजगार के लिए उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, उनको रोजगार का मौका दिया जाता है। बिहार में नरकटियागंज के पुरानी बाजार में स्थित मां भवानी अस्पताल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चैरिटेबल के अध्यक्ष शत्रुघ्न झा और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप दुबे ने इसका उद्घाटन फीता काट कर किया। शत्रुघ्न झा ने कहा कि यहाँ जिला का पहला निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका मैं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। ये चैरिटी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है, जिसमें गरीबों को काफी मदद मिलेगी और गरीब आदमी अपने नरकटियागंज छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रदीप दुबे ने बेड को हॉस्पिटल में रखरखाव, मरीज के रहने की सुविधा आदि का निरीक्षण किया। यह चैरिटी बहुत ही अच्छा काम किया है और यह पहल भी बहुत अच्छी है, जिससे गरीब वर्ग के लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी।
वे अब जिले की तरफ नहीं जाएंगे। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस अस्पताल को और सुविधाएं उपलब्ध हो सके। साथ ही यह भी कहा कि जहां तक हो सकेगा मैं अस्पताल का मदद करने की कोशिश करूंगा। इस अस्पताल की सुविधाओं में वाध्याकरण, हाइड्रोसेल, अपेंडिक्स आदि ऑपरेशन को निःशुल्क चैरिटी करेगी। झारखंड में बरवाडी प्रखंड के छिपादोहर पंचायत में मनिका विधानसभा के विधायक हरिकृष्ण सिंह ने कालीकर्ण सड़क का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मोदी सरकार अभी गांव कस्बे में सड़क बनवाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का सपना है कि पूरे देश में सड़क, बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा हो और वहीं रोड कार्य करीब 1,50,00,000 रुपए की लागत से बनवाया जा रहा है। वहीं सड़क की किसी भी प्रकार की शिकायत पर टेंडर रद्द कर दिया जाएगा। विधायक ने कहा कि कालीकरण सड़क का शिलान्यास के दौरान पंचायत में हो रही विकास की श्रेय जनता को जाता है। जनता से ही सरकार चल रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में किदांबी श्रीकांत, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल समेत देश के लगभग सभी शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी गुरुवार से यहां के विभागीय क्रीड़ा संकुल में शुरू हो रही 82वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में चुनौती पेश करेंगे। नागपुर के लिए यह पहला मौका होगा जब इतने बड़े सितारों के खेल का लुत्फ बैडमिंटन प्रेमी करीब से उठाएंगे। बुधवार को विभागीय क्रीड़ा संकुल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण लखानी ने स्पर्धा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। 82वीं नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन कल यहाँ पर किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत हटके इवेंट है। नागपुर जो महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन होस्ट कर रही है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गाइडेंस में, इसमें पहली बार सारे जो टॉप प्लेयर हैं भारत के, जो वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग में 8 प्लेयर आते हैं और जो 4 वुमेन्स प्लेयर हैं, ये सभी प्लेयर्स और मिक्स डबल्स और डबल्स के प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। यह टूर्नामेंट तकरीबन 500 से ज्यादा प्लेयर्स, 400 से ज्यादा मैचेस 8 दिन के लिए नागपुर में होने जा रही है, जो कल से शुरू होगी। कल से टीम इवेंट 2 दिन होंगे और उसके बाद 3 तारीख से इंडिविजुअल इवेंट शुरू होंगे। यह पहला मौका है जिसमें कि 60,00,000 रुपए इसमें प्राइस मनी रखा गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एयरपोर्ट से मेहान तक 3 रेलवे स्टेशन का काम 50% पूरा हो गया है। एयरपोर्ट साउथ मेट्रो स्टेशन से मिहान डिपो के बीच 5.6 किलोमीटर क्षेत्र में मेट्रो रेल के 3 स्टेशनों का निर्माण तेज गति से हो रहा है। बुधवार को परियोजना के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद महामेट्रो के प्रबंध संचालक ब्रिजेश दीक्षित ने दावा किया है कि हर स्टेशन अनोखी कलाकृति का नमूना होगा। 50% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अभी फिलहाल तो ये 25 की एमपीएच पे चलेगी, बिकॉज ये हाँ, बट जब बाद में चलेगी तो 80 रहेगी, 80 की एमपीएच। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 नागपुर की तरफ जाने के लिए है खापरी से, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 खापरी की तरफ आने के लिए है। इस तरह से 2 प्लेटफॉर्म है, और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए सुविधा है, या तो नीचे से अंडर पास है या ऊपर से जो ओवर वाला जो पास है वो है। कि नवंबर एंड तक ये सब काम कंप्लीट हो जाएंगे, दिसंबर में सीएमआरएस का इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद किसी भी समय फिर हम लोग इसको कंप्लीट डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको जिसको बोलते हैं ऑपरेशन स्टेज, कमर्शियल ऑपरेशन वाली स्टेज, उसके लिए इसको चालू करेंगे। दर्शकों, नागपुर सिटी का नाम स्मार्ट सिटी में तो नहीं, लेकिन नागपुर पे बड़े बड़े मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं। जिस तरीके से मेट्रो ट्रेन की बात की जा रही है, मेट्रो के अभी 3 स्टेशनों को लेकर मीडिया को यहाँ अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, और मेट्रो में क्या फैसिलिटी, सारी फैसिलिटी दिखाई जा रही है, क्या क्या फैसिलिटी है। नागपुर की गर्मी के हिसाब से 80 टन एक कोच में एसी रखा जा रहा है, और अलग अलग अनेक सुविधाएं मेट्रो ट्रेन पे दी जा रही है। ऑरेंज कलर पूरा दिखा रहा है, माझी मेट्रो के नाम से मराठियन में बोला जाता है, माझी मेट्रो, जिस तरीके बताया जा रहा है। और जल्द ही मेट्रो, नागपुर की मेट्रो पे एक अलग चीज आपको यहाँ पे नजर आएगा। जिस तरीके से मेट्रो पे आप देखिए नागपुर को जिस सर्वे किया जाता है, और लेडी जो यहाँ पे है, लेडी जो यहाँ पे रखा गया है मेट्रो को चलाने के लिए, नागपुर की पूरी दौड़ाती है, और ये सारी चीज पॉइंट दिया है। आपका नाम बताइए। गौरव शिंदे जी। क्या लगता है कितने दिनों में पूरे नागपुर पे मेट्रो दौड़ने लगेगी? यार ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, ये आप हमारे पीआरओ सेक्शन से क्लियर कर सकते हैं। बाकी हमारी टेस्टिंग चालू हो गई और 3 स्टेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं।
जिस तरीके से अभी ट्रायल बेस चालू है तो ट्रायल बेस में क्या स्पीड है मेट्रो की दी जा रही है? हम ये 80 की स्पीड के लिए बन रहा है और उसी की हम 80 की स्पीड से हम टेस्टिंग करेंगे और जब सब क्लियर हो जाएगा तो हमारे में यहाँ मेट्रो 80 के एमपीएच की स्पीड से चलेगी। इसमें क्या फैसिलिटीज है कंट्रोल वगैरह? जो यहाँ कंट्रोल इमरजेंसी बटन है, जब इमरजेंसी अगर कुछ सिचुएशन आ गई तो ये पुश करके रोक सकते हैं। ये है और जल्द ही नागपुर के अंदर मेट्रो में आप सफर करना पाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ आयरन 24 न्यूज, सलीम रहमान, नागपुर। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आष्टे तहसील स्थित धाड़ी गांव के किसानों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बात है महाबीज के बियाड़े किसानों को सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। वही बीज ने किसानों की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि जिन किसानों ने महाबीज के बियाड़े अपनी खेती में बोए हैं उनसे पौधे तो आए लेकिन जो फल्ली रहती है उस फल्ली में दाने ही नहीं है। परिणाम स्वरूप किसानों की ये फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इस विषय में आईएनएन 24 के वर्धा जिला संवाददाता नीलेश बंगाले ने किसानों से बात की तो किसानों की आंखें भर आई थी। फसल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फलियां जो है वो फलियां क्या तो पूरी पोचट हो चुकी है। फल जो है जो यानी उनको मिलना चाहिए था 9 क्विंटल 10 क्विंटल का जो उत्पन्न होना चाहिए था वो उत्पन्न होने की बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल यानी 50 किलो 40 किलो ऐसी कंडीशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और इससे ऐसा महसूस होता है कि काश्तकार पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है और उसने जो क्रॉप लोन लिया वो क्रॉप लोन कैसा फेड़ेगा और कैसा देगा, और आजू बाजू से जो कर्जा लिया है वो कर्ज की भी उनको यानी देने की हैसियत उनकी आज ख़त्म हो चुकी है। और मैं ये कहूँगा कि भी यानी इन लोगों ने कंप्लेंट देने के बावजूद अभी तक की जो जांच होना चाहिए था, तपास नहीं होना चाहिए था, कृषि अधिकारी ने भी उसके ऊपर कोई दखल ली नहीं। मैंने एक बैग यानी एग्रोसी लिया था 158 नंबर की महावीज की, उसको कुछ फल्ली भी नहीं आई और आई तो भरी भी नहीं, क्या तो अभी रोटावेटर करना पड़ता है, उसमें रोटावेटर का डबल खर्च आ रहा है। मतलब पूरा आपका जो पीक है जो उत्पन्न होने वाला था सभी खत्म हो गए? पूरा खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा? अब कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें कितने एकड़ में थी आपकी सोयाबीन? मेरा एक एकड़ में। एक एकड़ में कितना अंदाजा था आपको, कितना उत्पन्न वाले था होने वाला? 8 से 9 बोरे 9 क्विंटल होने को ना था। अभी क्या स्थिति है? अभी कुछ भी नहीं है, रोटावेटर मारना पड़ता है, कुछ नहीं, सब खत्म है, सब खत्म। तो फसल जब मैंने बोई तो उसका जो झाड़ बनता है पेड़ अच्छा बना था, उसको मैंने अच्छा खर्चा करके उसमें अपना बीज अच्छा डाला था और खत भी डाला था, स्प्रे भी किया था के लिए, फसल भी अच्छी हुई थी, उसको फल्ली भी अच्छी लगी। लेकिन फल्ली में जो दाना गिरता है जिसको अपन जीव बोलते हैं वो बिल्कुल एक या दो फल्ली में दाना गिरा है, इसकी वजह से यार फसल पूरी बर्बाद हो गई है। और हमारा जो आर्थिक बजट है वो पूरा सोयाबीन पे ऊपर डिपेंड होता है। इस बार तो एक ऐसी हुई कि सोयाबीन को एक तो भाव नहीं है और 50 किलो 60 किलो के करीब करीब सोयाबीन हमको एक एकड़ में होने की आशंका लग रही है। उसके बावजूद भी अगर उसका उसको अगर सूंघते हैं निकालते हैं तो कम से कम उसको एक एकड़ में कम से कम 5000 रुपये खर्चा आता है। मैंने 2 बैग महाबीज की 158 नंबर की बोरी थी, वो बियान हमने महाबीज की वितरक हनी अग्यो सेंटर साहूर इसे लिया था, वो 2 बैग पेरी, उसको अच्छे बोई, झाड़ भी अच्छा बना, अच्छी मशागत किया, फल्ली भी आई, लेकिन फल्ली में दाने बहुत ही कम, यानी एक दो सिर्फ पोचड़ दाने, और जो भरन थी वो भरन कुछ भी नहीं उसमें। और मेरा खर्चा अभी तक 15-16 हज़ार हो गया, और कम से कम मेरे को 17-18 पोते होने वाले थे वो नहीं है, अब सिर्फ 40-50 क्विंटल होने वाले हैं, किलो 50 किलो होने वाले हैं। आखिरकार मेरे बहुत इसमें मेरी पूरी नुकसान हो गया और वो परिवार का खर्चा था, ये खेती के भरोसे हमारा परिवार का खर्चा है, वो सब मैं बर्बाद हो गया इससे करके। महावीर ने जो हमसे ये किया, बियाना बोगस दिया, इसके लिए महावीज छल किया है, मुगज दिया है, इसके लिए जिम्मेदार महावीज है, अकोला महावीज। पंजाब में सिविल अस्पताल के स्टाफ से कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में पुलिस केस का सामना कर रहे जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ पार्टी नेता प्रवीण बंसल के समर्थन में पार्टी द्वारा पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना लगाया गया। इस अवसर पर बंसल ने पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल के डॉक्टरों के काम में रुकावट डालने और उनसे दुर्व्यवहार करने को लेकर उन पर दर्ज किए गए मामले में इसे सिविल अस्पताल में व्याप्त कथित डॉक्टरी माफिया की हरकत बताई है, जिससे कई मरीजों को भारी परेशानियाँ हुई हैं। इस बात को लेकर उन्होंने जिला सिविल
सर्जन के साथ मुलाकात भी की, मगर सिविल सर्जन के निर्देशों पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और उन पर ही केस दर्ज कर लिया गया। इस क्रम में वह पुलिस कमिश्नर ऑफिस इंसाफ के लिए आए हैं और चाहते हैं कि मामले की जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। पहला नवांशहर को कुटिया गया, बाद लुधियाना इस्लामगंज आके कुटिया गया। इस गल का बहाना बना के भी पहला नवांशहर कुटिया, मैं एमएल नहीं कटनी, मैं 2000 रुपया लूंगा। मेरे बार बार रिक्वेस्ट करन ते जद उन्हें एमएलआर नहीं कट्टी तो मैं एसएचओ साहब नूं कंप्लेंट कीती। बड़ा अफसोस लग्या कि सोमवार नूं डॉक्टरां ने अपने पाप नूं छपाण वास्ते हड़ताल कीती। मैं तो एक भैन वास्ते इंसाफ मंगदा सी, लेकिन करीब 400-500 मरीजां नूं तंग कीता गया। 8-9 डेड बॉडी सी, किसी एक बीबी की पेट के अंदर बच्चे की डैथ हो गई। एडे जालम जिहड़ा कारा कम सी इन्हां दा, डॉक्टर दा। सिविल सर्जन नूं असीं मिले, सिविल सर्जन नूं रिक्वेस्ट कीती कि 500 बंदा खराब हो रहा, धरना असीं ला सकते सी, प्रदर्शन असीं कर सकते सी, लेकिन पेशेंट दा ध्यान करदे हो असीं ऐसा नहीं कुछ कीता। उस डॉक्टर दे खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिहार के बेतिया में अर्जुन साह के हत्या के एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारे का पता नहीं लगा सकी है। इसी को लेकर मृतक के घर व जमुनिया गांव के लोग हजारों के संख्या में आज गुरुवार को थाना का घेराव किए हैं। इसके लिए लिखित सूचना अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक को दिया गया है। आवेदन में बताया गया है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ गुरुवार को जमुनिया गांव के हजारों ग्रामीणों की संख्या में सहोदरा थाना, गनाहा थाना का घेराव, रोड जाम व जमुनिया बाजार बंद किए गए हैं। इस पर भी पुलिस प्रशासन की आंखें नहीं खुली तो उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। झारखंड में लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड के एकागुड़ी बालू घाट में अवैध रूप से नियम के विपरीत बालू उठाव का ग्रामीणों ने विरोध किया है। सेन्हा जिले के परिषद सदस्य रामलखन प्रसाद और सेन्हा प्रखंड प्रमुख कलावती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध करते हुए नियम के अनुसार बालू का उठाव करने और अवैध बालू उठाव पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। एकागुड़ी पुल के पास से हो रहे बालू उठाव की जानकारी मिलने पर जीपम सदस्य रामलखन प्रसाद और प्रखंड प्रमुख कलावती देवी के नेतृत्व में ग्रामीण बालू घाट में जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल बालू उठाव का विरोध करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। उपायुक्त को दिए, एचडीओ को दिए, खनन पदाधिकारी को दिए, सीओ को दिए, लेकिन अभी तक हम लोग हमको लगता है कि 2 महीना हो गया। इससे पहले भी हमने जिला परिषद थे उस समय भी बहुत बार प्रोसीडिंग में भी आया होगा, जिला योजना की बैठक में, जिला परिषद की बैठक में, कि बालू घाट का जब टेंडर हुआ है तो उसका सीमांकन किया जाए। हम रोक नहीं लगा, सरकार का निर्देश है कि बालू घाट टेंडर हो तो ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन जितना उसका दिया गया है एरिया उसका सीमांकन हो, सीमांकन से उठाए, हमको क्या दिक्कत है। लेकिन आज तक उस पर एक भी काम नहीं हुआ है कहीं भी। हमारा सेना दूसरा प्रखंड का तो मैं नहीं कह सकूंगी, लेकिन अपना सेना प्रखंड का कहीं भी ऐसा सीमांकन नहीं हुआ है। पुल के बगल से 500 मीटर के दूरी तक से बालू का उठाव नहीं होना जो नियम सरकार का बोलता है उसमें, लेकिन जो यहाँ पर ही जो टेंडर लिए हैं उनके द्वारा ये बताया नहीं गया है, ना तो बोर्ड लगाया गया है कि कितना रेट लेना है। कभी ले लेते हैं 400 रुपये चलान, कभी 350 चलान, कभी 300 चलान, इस तरह से मनमानी वसूली कर रहे हैं। हम लोगों का कहना ये है कि जो रेट चार्ट है, रेट चार्ट जो है उसका बोर्ड लगाया जाए और उनका सीमांकन जितना उनका एरिया मिला है, 3 एकड़ या 5 एकड़ का जो भी एरिया है उसका सीमांकन करके क्षेत्रफल उनका जो भी हो वो अलग करके अपना बालू का उठाव करें। अवैध बालू उठाव जो है जहां तहां जो उठा रहे हैं, पुल के बगल से उठा रहे हैं, जिससे हम लोगों को दिक्कत होता है, पानी का स्तर नीचे चला जाता है, इसको हम लोग बंद करा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बिहार के नौतन में ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू को मारपीट कर घर से निकाला। मायके पहुंचकर चाकू से गला काटकर विवाहिता ने किया आत्महत्या का प्रयास। आनन फानन में इलाज के दौरान विवाहिता की मौत और मामला नौतन थाना के क्षेत्र के बरदाहा पंचायत के मड़ुवाहा गांव की है। छपकहिया गोविंदगंज थाना क्षेत्र में 2 साल पहले शादी हुई थी। बराबर दहेज के लिए विवाहिता को मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा था। 25 अक्टूबर को मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया था और 26 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे क्रोध में आकर विवाहिता ने आत्महत्या करने का प्रयास में चाकू से गला काट लिया और जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। बिहार शरीफ के लहरी थाना के हाजत में बंद एक कैदी द्वारा दवा खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने हाजत से उसे बाहर निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया है।
हाजत में दवाई खाने के इस मामले में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मालूम हो कि शहर के रामचंद्रपुर में पायरेटेड सीडी बेचने के आरोप में बीते शाम दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में रामचंद्रपुर निवासी बंटी कुमार को भी पकड़ा गया था। बंटी कुमार के पास पूर्व से ही पॉकेट में दवा था और आज उसने तनाव में आकर अपने दवा को एक साथ 8 गोलियां खा ली। अब सवाल यह उठता है कि हाजत में बंद होने के पूर्व पुलिस अधिकारियों द्वारा सघन जांच किए जाने के बाद भी किसी भी कैदी को हाजत में बंद करने का नियम है। आखिर किस परिस्थिति में कैदी के पास दवाई रहने दिया गया, और यह सवाल जांच के घेरे में है। इससे हाजत की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हालांकि कैदी की हालत ठीक बताई जा रही है। दुकान किसी और पर था, वहाँ पर हम सिर्फ बैठे हुए थे, हम निकल ही रहे थे कि बस ये लोग आ गए, हमको पकड़ लिए। अच्छा, उसके बाद सीधा चलान काट दिए। तो क्या आप पढ़ते उड़ते भी हैं? पढ़ाई करते हैं। तो क्या कहना है आपका? मेरा पढ़ाई चौपट हो गया। दवाई काल खाए अब क्या करें, पढ़ाई अब सब चौपट है तो क्या करेंगे जी करके। क्या चीज़ गोली खाए आप? आप मैंने हाजत के अंदर खाए थे कि बाहर? बिहार के शेखपुरा में राजद जिला अध्यक्ष का चुनाव के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजद जिला अध्यक्ष का चुनाव एक नेता के आवास में पास सामुदायिक भवन में हो रहा था, जिसका दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। फिर विवाद इतना बढ़ गया कि विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। वहीं चुनाव पर्यवेक्षक ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन आरएसएस और जदयू के समर्थकों ने हंगामा किया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में दो गुट के बीच में आपस में लोग भिड़ गए थे उसमें, और फिर उसके बाद वहां से लोग दोनों पक्ष के लोग यहां पर आए हुए थे इलाज कराने, और यहां पर फिर दोनों के बीच में मारपीट हुई है। और इन दोनों पक्षों में जो लोग भी इसके लिए इन्वॉल्व हैं, वो सब कुछ लोग घायल हैं, दो चार लोग बाकी जितने इन्वॉल्व हैं, और उन लोगों के ऊपर उनका भी कुछ वीडियो फीड ले रहे हैं हम लोग यहाँ से हॉस्पिटल से, और दो चार लोगों को तो हम लोग नाम से ही जान रहे हैं, और बाकी पप्पू यादव है एक तरफ से, प्रमोद यादव है, और बाकी और जितने लोग हैं उन लोगों को चिन्हित कर। हम लोग सर वहाँ गए कि जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, पर्यवेक्षक कहा है बोले चुनाव नहीं होगा, घोषणा हो गया है। उसके बाद हम लोग सर लौटने लगे, इसी क्रम में मेरा चैन छीन लिया, पैसा था पैसा निकाल लिया। गंगा यादव अपने विजय लोकतांत्रिक पार्टी से, पप्पू यादव पार्टी से चुनाव लड़ा था पिछले विधानसभा में, इस मारो घेर के गर्म पानी फेंका, फिर भागे हम लोग, फिर जो है पिस्तौल से मारा, फट गया गंगा यादव मारा, विजय इधर पिस्तौल से मारा, गोली बच गया, ये मेरा पास करके गया है, फिर लाठी डंडा रड था, सब शराब के नशे में था सर, सब शराब के नशे में जो है, फिर किसी तरह हम लोग जान बचा के यहाँ पहुँचे हैं। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ के आईजी मुकुल गोयल के अनुसार बीएसएफ को सूचना मिली थी कि गत रात पाकिस्तान की तरफ से तस्करों द्वारा भारत की सीमा में हेरोइन भेजी जानी है। बीएसएफ की मुस्तैदी के कारण रात 2:30 बजे के करीब जब भारत पाकिस्तान सीमा के समीप हलचल देखी गई, तो बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के तस्करों को ललकारा। बीएसएफ के जवानों की ललकार सुनकर पाकिस्तान की तरफ से आए तस्कर भारतीय सीमा के अंदर हेरोइन फेंक कर फरार हो गए। आज सुबह तारा सिंह पोस्ट के पास तलाशी लेने बीएसएफ को हीरोइन की 4 पैकेट बरामद हुए, जिनमें 4 किलो 400 ग्राम हीरोइन थी। बीएसएफ के आईजी ने बताया कि बीएसएफ की तरफ से अब तक भारत पाकिस्तान सीमा से 170 किलो हीरोइन बरामद की जा चुकी है। पंजाब में तरनतारन के एसएसपी दर्शन सिंह मान ने बताया कि मृतक अमनदीप सिंह व उसके साथियों ने अप्रैल महीने में चंडीगढ़ में गुरतेज सिंह पुत्र प्रीतपाल सिंह को अगवा कर उसका कत्ल किया था। उस मामले में अमनदीप सिंह भगौड़ा चला रहा था, और चंडीगढ़ में कत्ल हुए गुरतेज के पिता प्रीतपाल को सूचना मिली थी कि उनके पुत्र का हत्यारा अमनदीप सिंह पट्टी क्षेत्र में घूम रहा है। प्रीतपाल सिंह ने 4 अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अमनदीप की हत्या की साजिश रची, और गत दिनों पट्टी के सिविल अस्पताल में दवाई लेने अमनदीप सिंह को गोलियां मार दिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की सहायता से आरोपियों की कार की पहचान की और इस मामले के मुखिया की पहचान कर इस मामले के आरोपी की पहचान कर इस मामले के मुख्य आरोपी प्रीतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह पट्टी हॉस्पिटल के सामने 30 तारीख को मर्डर हुआ थी अमनदीप सिंह का, वो असी ट्रेस कर लिया। उसके विच जिहड़ा अमनदीप सिंह है इन्हे सुहाने थाने दे विच जो कि मोहाली च है अप्रैल महीने च एक लड़के का कतल किया, कतल करके अहमदाबाद चला गया से हमने वापस आ गया से
ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 20 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਗੋਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਕਿਰਤਪਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਬੰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰੋਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। बिहार के गया के मानपुर के भदेजा में दो पक्षों में झड़प, असामाजिक तत्वों ने कई वाहन के तोड़े शीशे व कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति नियंत्रण में। रात के विवाद में हुई घटना, गृह प्रवेश में नाच कार्यक्रम में महिला डांसर को गोद लेने के विवाद को लेकर हुई घटना। बीती रात गांव में गृह प्रवेश में महिला डांसर का नाच कार्यक्रम था और उसी दौरान कार्यक्रम में गांव के ही नौशाद आलम ने महिला डांसर को अपनी गोद में उठा लिया था। उसी से खफा लोगों ने दूसरे पक्षों के घरों पर पथराव किया तथा सड़क पर खड़ी वाहन के शीशे तोड़ डाले। इसे देख दोनों पक्षों में जमकर रोड़ेबाजी हुई और जिसमें कई ग्रामीण भी घायल हो गए। दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ है, अभी माहौल जो है शांतिपूर्ण है, फोर्स की डेपुटेशन है और हम लोग स्थिति का जायजा ले रहे हैं, अभी कंट्रोल में है पूरा सिचुएशन। रोड़ेबाजी कुछ विवाद हुआ है, कुछ पत्थरबाजी हुई है, अभी सिचुएशन पूरा कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, शांति का माहौल है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, प्रशासन जो है पूरा सज्ज है। फायरिंग हुई ऐसा कुछ नहीं आया है अभी। घटना की शुरुआत मैडम के साथ घटना की शुरुआत हम लोग बैठ करके अभी जो है बातचीत कर रहे हैं, माहौल जो है बिल्कुल जो है शांत है और आगे की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के बीच आपस में झगड़ा हुआ है, उसको लेकर के हम थोड़ी सी शांति व्यवस्था के बारे में समस्या की सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग आए हैं, शांति व्यवस्था बहाल हो गई है और आगे की कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं कि जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, अभी पूरी जांच पड़ताल करके जो भी इसके कारण हैं, जो भी दोषी हैं। नहीं, इस तरह की बात तो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर पोस्ट मजिस्ट्रेट रख करके इस पर निगरानी भी रखेंगे और सभी लोगों से जानकारी ली जा रही है कि आखिर घटना क्या है। बिहार में बगहा के रामनगर अंचल कार्यालय के CI कार्यालय से निगरानी विभाग ने राजस्व कर्मचारी जगई राम को रंगे हाथ घुस लेते धर दबोचा। निगरानी DSP महाराजा कनिष्क कुमार के नेतृत्व में हल्का कर्मचारी को 5,000 रुपए घुस लेते गिरफ्तार किया गया। DSP कनिष्क कुमार ने बताया कि महुई गांव के किसान पुत्र रविकेश पांडे से मलगुजारी रसीद काटने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग कर्मचारी ने की थी, जिसकी पुष्टि कर ली गई थी, जिसमें आज 5,000 रुपए लेते CI को रंगे हाथ पकड़ा गया। रविकेश पांडे जो है ये महुई के रहने वाले हैं जी जी, इनका एक जमीन था जी, जिसके रसीद कटवाने के लिए कर्मचारी से बात किए थे, आरोपी कर्मचारी से, और उसने जो है जगई राम कर्मचारी के नाम है जी, और रिश्वत 10,000 रुपया रिश्वत की मांग की थी जी। उसके बाद इन लोगों ने सत्यापन में 5,000 पर तय हुआ था, 5,000 लेते हुए आज CI कार्यालय से रंगे हाथ पकड़े गए। बिहार के नालंदा में सोहसराय हॉल्ट इलाके के ट्रेन में चपेट में आने से युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में घायल युवक ने बताया कि वह बिहार शरीफ से अपने घर अथमलगोला जा रहा था और अपने ट्रेन जाने के लिए वह सोहसराय हॉल्ट पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ट्रेन सोहसराय हॉल्ट पर पहुंची, युवक ट्रेन पर चढ़ने के लिए पटरी पार करना चाहा और इस दौरान ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे दोनों युवक ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसमें एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के बाद घटनास्थल पर मौजूद यात्रियों के द्वारा दोनों को बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने चंदन कुमार को मृत घोषित कर दिया और मृतक चंदन कुमार और घायल चुन्नू पटना जिले के अथमलगोला निवासी बताए जाते हैं। बस हम रोहित से आ रहे थे बिहार शरीफ, बस सोहसराय क्रॉसिंग रेलवे क्रॉसिंग के पास देखें कि ये लड़का है जो कि इसके साथ एक और लड़का था, बस ऐसे ही एक्सीडेंट होकर के रोड पे पड़ा हुआ था, खून चल रहा था, भीड़ लगा हुआ था 20 आदमी का, सब लोग देख रहा था, सिर्फ उसको कोई लेकर के आ नहीं रहा था डॉक्टर के पास। हम बोले इसको देख के आ रहे हैं, इसको जल्दी से एडमिट कराया जाए, इसको हॉस्पिटल ले जा करके ट्रीटमेंट कराया जाए। तुरंत जिस टेम्पो से हम आ रहे थे उसी टेम्पो पे इसको लाद करके लाए बिहार शरीफ में। बिहार के शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना में पदस्थापित दरोगा विजय सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई।
मृतक दरोगा विजय सिंह को सिमरिया कुंभ मेला में ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और ड्यूटी के दौरान ही ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक विजय सिंह के पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन शेखपुरा लाया गया, जहां एसपी सहित पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। मृतक के पुत्र ने कहा कि घर की पूरी जिम्मेवारी पिता पर थी और उनकी मौत से काफी क्षति हुई है। एसपी से नौकरी सहित सभी सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। दूसरा जिला अंतर्गत सिमरिया महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है, वहाँ से पूरा जिला बल से पुलिस अमर निरीक्षक विजय सिंह प्रतिनियुक्त थे। उसी क्रम में ये अपने वाहन से कहीं जा रहे थे तो सिमरिया घाट है पुल के बगल में ही एक ट्रक चालक द्वारा लापरवाही चलाते हुए दुर्घटना खारिज की गई है। बेगूसराय पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि ट्रक चालक और ट्रक दोनों को ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो हमारे पुलिस लाइन के पुवानी विजय सिंह मृतक रहे उनका पोस्टमार्टम किया गया है, आज लाइन में लिया गया है। सम्मान इनको शोक शस्त्र दिया गया है, अब इनका परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें शेखपुरा पुलिस द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। पहले 6:30 बजे कहाँ ड्यूटी पे थे? सिमरिया कुंभ मेला में ड्यूटी था, तो ड्यूटी जाने का कारण घटना घट गई। बिहार के नरकटियागंज पीएचसी के एएनएम का अनिश्चित काल का हड़ताल। एएनएम करेंगे मिशन इंद्रधनुष का बहिष्कार। इनकी मांग समान कार्य तो वेतन समान भी हो और वेतन बढ़ाने के लिए भी मांग। एएनएम ने नीतीश कुमार हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के हाय हाय के नारे लगाए गए। पंजाब के लुधियाना के टिब्बर रोड स्थित गोपाल नगर चौक पर पुलिस को फोन पर इतला दी गई कि वहां पर एक प्रवासी की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना पर तत्काल डिब्बा चौकी इंचार्ज कपिल शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे और लाश की शिनाख्त करने के लिए आसपास के घरों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी लाश को पहचानने में असफल हो सके, जिसके चलते चौकी इंचार्ज कपिल शर्मा ने लाश को सिविल अस्पताल में 48 घंटे के लिए रख दिया है। सानू किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि गोपाल नगर चौक टिब्बा रोड ठेके की बैक साइड के उत्ते एक खाली प्लाट के एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी पई है, जिस देते असी इतने पहुंचे सके। अभी आके देखा कि भी एक लवारिस लाश है अनआइडेंटिफाइड, जिदे बारे आसे पासे पता करन दे तो पता लग गया कि भी इत्थे ही तुरिया फिरदा वै, कदे डंप दे उत्ते, कदे किसे पासे गरेवाल कॉलोनी, कदे कदे इत्थे ही सो जांदा सड़कां दे उत्ते। ते इहदे नाम बारे हजे प्रॉपर पता नहीं लग्या, ते बाकी असीं पता कर रहे हैं इहदी फुल 74 दी कारवाई कर रहे हैं, 174 सीआरपीसी दी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गत रात्रि गोलगंज स्थित जैन समुदाय का निर्माणाधीन एक मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्तियों सहित मंदिर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। क्षेत्रवासियों के द्वारा कोतवाली पहुंचकर शिकायत की गई और कोतवाली टीआई ने मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर मौके का मुआयना किया और दोषियों का पता लगाकर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। और यहाँ के देखा गया तो जो निर्माण मंदिर है, ये दीवारों और पिलर से जो मूर्ति लगी हुई है उनको तोड़ा गया है, उसको तत्काल हम पकड़ा दर्ज करके ये FIR की जा रही है। FIR आपका जो सीसीटीवी फुटेज है और मंदिर हम लगा के उसमें कुछ जो पता करने का शुक्रिया। झारखंड में कोडरमा के सुदूरवर्ती क्षेत्र ढोड़ाकोला स्थित जंगल में मुख्य सचिव झारखंड के निर्देश पर डीसी संजीव कुमार बेसरा द्वारा एसटीओ प्रभात कुमार बर्दियार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक सहित हजारों पीस देशी शराब का खाली पाउच, 1000 लीटर सिंटेक्स टंकी में स्प्रिट व अभ्रक बरामद किए गए। एसटीओ ने बताया कि अवैध शराब फैक्ट्री होने की सूचना पर टीम द्वारा छापेमारी के दौरान फैक्ट्री तो नहीं मिली, लेकिन जंगली इलाके स्थित गांव के खंडहरनुमा अस्पताल भवन में 2 पेटी जिलेटिन, 9 पेटी पावर जेल और 13 बोरा माइका स्प्रिट उपकरण और झारखंड सरकार के द्वारा उत्पाद का डुप्लीकेट मोहर, जिससे 5000 देशी शराब के प्लास्टिक पाउच की प्लास्टिक रोल बरामद की गई है। जबकि गत वर्ष इसी जंगल से विदेशी शराब का एक मिनी प्लांट का खुलासा किया गया था, जिसमें भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों के निर्मित शराब व बॉटलिंग, लेवलिंग और पैकिंग का काम चल रहा था। मौके पर किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। डोमचार्ज पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। झारखंड में बालूमाथ थाना के सिरम गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक एवं बाइक जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक अपने ससुराल सिरम से अपने घर रोधी खलारी जा रहा था। घर से निकलकर कुछ ही दूरी पर एक सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर हो गई और जिसमें बाइक सवार धक्का लगने से कुछ दूरी पर जा गिरा और वहीं उसकी मौत हो गई।
ज्ञात हो कि तेतरिया खार से कोयला लेकर ट्रक किसी एनी जगह पर जाती है और वहां से वापस ट्रक कोलियारी की तरफ ही आ रही थी, तभी यह घटना घटी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया। घटना तो ससुराल से जा रहा था और कितना 5 बजे निकला था, 5 बजे निकला था वहां ससुराल से 5 बजे निकला था। कहां से कहां जा रहा था? बरवा टोला से जा रहा था कठोन, अपना डेरा जा रहा कठोन बस जाने। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के धामरगांव शहर में मामा के घर में मां के साथ मेहमान बनकर आई 15 महीने की बालिका की कल रात अचानक तबियत बिगड़ गई। सुबह उसे बुखार भी आया और परिजन उसे धामरगांव रेलवे स्थित डॉक्टर सकलेजा के अभिषेक हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले आए, लेकिन डॉक्टरों ने शुरुआत में पहले पैसे जमा करो कहकर लगभग 2 घंटे तक इलाज ही नहीं किया। बाद में इस बालिका को सलाइन और उसमें इंजेक्शन लगाते ही उसकी तबियत और खराब हो गई। उसके मुंह से फेस आने लगा और उसने चंद मिनटों में ही दम तोड़ दिया। बालिका की मौत दवाइयों के ओवरडोसेस होने के आरोप लगाते हुए बालिका के रिश्तेदार और गांव के लोगों ने अस्पताल में जबरदस्त उत्पात मचाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें INN24 पर। नमस्कार।